अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ इन होम एंड आल्सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स। यहाँ पर 26 हरूफ दिए गए हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स राइट किए गए हैं। ए से जी तक तमाम लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अकेले ए को अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। इसी तरह से अकेले बी को हम अल्फ़ाबेट, या सी को या डी को अकेले अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते, बल्कि ए से लेकर जी तक तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स में कुछ स्पेशल लेटर्स हैं जिनको वोवल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं सर्कल किए हैं, रेड से मार्क किए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वो स्पेशल लेटर्स हैं जिनको वोवल्स कहते हैं। डब्ल्यू और वाई, इन दोनों को मैंने ब्लैक से सर्कल किया है। ये भी स्पेशल लेटर्स हैं, लेकिन इनके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में नहीं जान सके। अब आगे हम इनके बारे में जानेंगे। देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स कॉल्ड वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। देयर आर 21 लेटर्स रिमेनिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी बाकी के जो बच जाते हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये ऐसे लेटर्स हैं जिनको बोलते हुए आपके होंठ आपस में नहीं मिलते हैं, बल्कि इनकी आवाज़ हलक से निकलती है। कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड है डॉग, डी ओ जी, डॉग। इसमें डी कॉन्सोनेंट, ओ एक स्पेशल लेटर है जिसे हम वोवल कहते हैं, जी कॉन्सोनेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है बुक, बी डबल ओ के, बुक, जिसमें बी कॉन्सोनेंट है, डबल ओ स्पेशल लेटर है इसलिए ये एक वोवल है, के कॉन्सोनेंट है। कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें वोवल इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि कैट, सी ए टी, कैट। सी कॉन्सोनेंट है, ए एक स्पेशल लेटर है इसलिए ये वी है, यानी वी से हमने इसको जाहिर किया है, यानी वोवल। टी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट को मैंने हर जगह सी से ही डिनोट किया है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स दोनों को मिलाकर एक वर्ड्स बनता है। ज़रूरी नहीं है कि वोवल मिड में ही आए, यानी दरमियान में ही आए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वोवल से स्टार्ट भी हो सकते हैं और वोवल पे ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे कि एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए एक स्पेशल लेटर है यानी ये वोवल कहलाता है। इसी तरह से पी, पी एल, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। ई एक स्पेशल लेटर है, ये वोवल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स एक दूसरे से अलग हैं, और ये सब के सब एक ही अल्फ़ाबेट के हिस्से हैं और इन दोनों को आपस में मिलाकर एक वर्ड बनता है।
उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वोवल और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपका काम ये है कि आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलाकर आपने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स आपने बनाने हैं और अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं, राइट करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।